हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आरवी फैंटेसी 7। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीए का जो मैच होने वाला है डैल्स वर्सेस सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। उसके साथ साथ फाइनल टाइम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर लिंक वर्क नहीं करती तो टेलीग्राम पर सर्च करना @RVFantasy7। तो दोनों टीम की अगर बात करूँ तो सैन एंटोनियो स्पर्स वर्सेस डैलेंस के बीच में, तो डैलेंस जो है तो लास्ट अपने 3 out of 3 मैचेस यहाँ पर विन करके आ रही है। उसके साथ साथ सैन एंटोनियो स्पर्स लास्ट 3 out of यहाँ पर 2 मैचेस यहाँ पर लॉस और 1 मैच यहाँ पर विन होकर आ रही है। और जो लास्ट इन दोनों टीम में हेड टू हेड मैच हुआ था, लास्ट हेड टू हेड मैच हुआ था बिफोर 2 month आगे, तो वहाँ पर 2 month पहले जो मैच हुआ था तो वहाँ पर डैलेस ने यहाँ पर वो मैच यहाँ पर इजीली यहाँ पर विन कर लिया था। अगर दोनों टीम की तरफ से अगर प्रोबेबल स्टार्टर की अगर बात करूँ तो डैलेस की तरफ से यल्डोंसी के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ जे रिचर्डसन स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। यहाँ से आपको टी हार्डी यहाँ पर एज ए यहाँ पर बेंच प्लेयर खेलेंगे, बेस्ट बेंच प्लेयर है। डिफिनिश में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एम क्लेवर्स यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और के पोर्जिंग्स सेंटर से स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया प्लेयर है लेकिन यहाँ पर क्रेडिट थोड़ा सा है तो जीएल में ट्राई करना। बाकी ये 5 प्रोबेबल स्टार्टर आपको यहाँ पर डैलेस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ सैन एंटोनियो स्पर्स की तरफ से अगर बात करूँ तो डी मोरे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ डी डेराजन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर यल वॉल्कर यहाँ पर गार्ड से स्टार्ट करेंगे। काइली जॉनसन एज अ स्टार्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी अगर यहाँ से बात करूँ तो आपको यहाँ पर जे बोल्टी, उसी के साथ साथ टी लेयर यहाँ से स्टार्ट करते थे लेकिन यहाँ पर काइली जॉनसन यहाँ पर प्रोबेबल स्टार्टर में यहाँ पर दिखा रहे। तो यहाँ पर काइली जॉनसन अगर यहाँ पर स्टार्ट नहीं करते, खेलते नहीं काइली जॉनसन, तो यहाँ पर आपको टी लेयर्स यहाँ पर एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। बाकी ये 5 स्टार्टर आपको देखने को मिल सकते। बाकी अगर बात करूँगा यहाँ पर लास्ट मैच का परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर डैलेस की तरफ से डी मोरे बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर डी मोरे का लास्ट मैच का अगर यहाँ पर बात करूँ तो डैलेस की तरफ से डी मोरे बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ डी मोरे के रिसेंटली कुछ मैच यहाँ पर सैन एंटोनियो स्पर्स की तरफ से डी मोरे के कुछ मैच अच्छे गए। अगर लास्ट मैच की अगर बात करें तो 35 मिनट खेलकर 14.4 rebound 9 assist 2 6 2 steal किए थे। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर 31 मिनट खेले थे, 17.6 rebound 6 assist और 3 steal यहाँ पर भी दिए थे। 15.5 credit के प्लेयर बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे। पी मिल्स एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जीएल के लिए आपको बेस्ट पिक मिल जाएंगे। बैंस से सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर पी मिल्स को मिलता है। लास्ट मैच भी सबसे बेस्ट टाइम मिला था, 27 मिनट खेलकर 13.2 rebound 1 assist 1 steal किया था। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी सबसे बेस्ट टाइम मिला था बैंस से, और उसी के साथ साथ 14.4 rebound और 1 assist उन्होंने यहाँ पर किया था। तो जीएल में ट्राई करना। डी मोरे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, मस्ट हैव डी डेराजन बेस्ट यहाँ पर पीपी चॉइस आपको मिल जाएंगे। अगर डेराजन का लास्ट मैच का अगर परफॉर्मेंस चेक करें तो 36 मिनट खेलकर यहाँ पर 20.6 rebound 4 assist इन्होंने दिए थे। बाकी सेकंड जो मैच रहा था तो यहाँ पर 10.4 rebound 11 assist और 4 steal इन्होंने किए थे। तो यहाँ पर बेस्ट पीपी डी डेराजन या फिर यहाँ पर आप बना सकते हैं डी मोरे, इन दोनों में से किसी एक को। बाकी अगर दोनों यहाँ पर ऑफेंसिव मोड में खेलते हैं दोनों आपको बेस्ट पिक मिल जाएंगे। यल वॉल्कर जीएल में ट्राई करना, एज अ स्टार्टर खेलेंगे। एवरेज प्लेयर है, क्रेडिट के हिसाब से 24 मिनट खेले थे लास्ट मैच, 11.2 block और 1 steal। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर 30 मिनट खेले थे, 11.3 rebound 3 assist इन्होंने दिए थे। तो जीएल में ट्राई करना है। जीएल के लिए बेस्ट आपको पिक आपको मिल जाएंगे। डी वेसल यहाँ पर आउट दिखा रहे, बाकी यहाँ पर डी वेसल यहाँ से खेलने वाले नहीं। बाकी यहाँ पर के जॉन्स खेलते तो यहाँ पर एज अ स्टार्टर देखने को मिलेंगे। बाकी स्मॉल फॉरवर्ड से यहाँ पर के बैटो डिओप्स, इनको कोई अच्छा प्लेयर नहीं यहाँ से। बाकी यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी इतना अच्छा खासा यहाँ पर पिक आपको मिलने वाले नहीं। बाकी अगर यहाँ पर बात करूँ तो यल अल्डेरा जो कि एक अच्छे खासे पिक है लेकिन यहाँ पर वो इनएक्टिव है। यल अल्डेरा यहाँ पर खेलने वाले नहीं, अगर खेलते तो फिर आपको अच्छे खासे पिक आपको मिल जाएंगे। आरगे की अगर बात करूँ तो आरगे भी यहाँ पर अच्छे खासे पिक आपको मिल जाएंगे लेकिन आरगे के भी रिसेंटली मैच अगर देखें तो आरगे भी रिसेंटली मैचेस में इनएक्टिव है, तो यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर कोई अच्छा खासा पिक नहीं मिलेंगे आपको जेएल स्मॉल लीग दोनों के लिए। बाकी यहाँ से आपको जे पोल्टी यहाँ पर एज अ स्टार्टर खेलेंगे, सेंटर से बेस्ट पिक मिल जाएंगे। टी लेयर्स एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, 5.5 credit के प्लेयर है, रिसेंटली मैचेस में एज अ स्टार्टर खेलते हुए आ रहे थे लेकिन यहाँ पर एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे। अगर लास्ट मैच के अगर दोनों का परफॉर्मेंस देखेंगे, जे पोल्टी 23 मिनट खेलकर 2.5 rebound 2 assist 1 block और 1 steal किया था। टी लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, 27 मिनट खेलकर 15 point, उसी के साथ साथ 10 rebound। टी लेयर की अगर यहाँ पर भी बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम मिला था 30 मिनट खेलकर 18.5 rebound 2 assist 2 6 2 steal किए थे। जे पोल्टी यहाँ पर 30 मिनट खेलकर 8.8 rebound 6 assist 3 block और 1 steal इन्होंने किया था। और दोनों भी यहाँ पर एज अ सेंटर प्लेयर खेल सकते हैं। बाकी टी लेयर्स थे यहाँ पर अमूमन यहाँ पर सेंटर में यहाँ पर शो कर रहे लेकिन यहाँ पर रिसेंटली मैचेस यहाँ पर ये फॉरवर्ड से खेलते हुए आ रहे और जे पोल्टी यहाँ से सेंटर से यहाँ पर स्टार्ट करते हुए आ रहे। तो ये हुआ यहाँ पर सैन एंटोनियो स्पर्स का यहाँ पर परफॉर्मेंस लास्ट मैच का। अगर डैलेस की अगर बात करूँ तो यल्डोंसिक
एज अ स्टार्टर खेलेंगे टीबर्ग्स यहाँ से, एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे येलडॉन्स के यहाँ से। बेस्ट यहाँ पर एसपी चॉइस आपको मिल जाएंगे, 24 क्रेडिट के प्लेयर हैं। उसी के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस येलडॉन्स का रहता था, लास्ट मैच खेली नहीं थी इंजर की वजह से, बाकी सेकंड मैच यहाँ पर खेले थे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आया था 37 मिनट खेलकर 33.8 रिबाउंड, उसी के साथ साथ 9 असिस्ट। जो सेकंड मैच रहा था डॉन्सिक का, यहाँ पर भी 27.6 रिबाउंड 7 असिस्ट, उसी के साथ साथ 2 स्टील दिए थे। तो ऑलमोस्ट सबके यहाँ पर एसपी होने वाले। टीब्रुक्स एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, 8 क्रेडिट के प्लेयर है। अगर लास्ट मैच अगर देखेंगे टीब्रुक्स का, ये मैच भी बढ़िया गया था, 22 मिनट खेलकर 9.2 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 स्टील किया था। जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी 10 मिनट खेलकर 11.2 उसी के साथ साथ यहाँ पर 1 रिबाउंड दिया था। बाकी लास्ट मैच में टाइम अच्छा खासा मिला था क्योंकि यहाँ पर येलडॉन से खेल नहीं रहे थे, बाकी ऐसे येलडॉन से खेलेंगे तो इनको यहाँ पर आप 10-15 मिनट यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे, बाकी इनसे ज़्यादा टाइम इनको मिलेंगे नहीं। लास्ट मैच में 20 मिनट खेले थे क्योंकि येलडॉन से कैसे खेल नहीं रहे थे और गार्ड से यहाँ पर कोई अच्छा खासा प्लेयर नहीं था। जे रिचर्डसन स्टार्ट करेंगे, जेबर्सन एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे, जे रिचर्डसन एवरेज प्लेयर है। बाकी यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट मैच इनका बढ़िया गया था क्योंकि यहाँ पर येलडॉन से खेल नहीं रहे थे तो ऑफेंसिव खेल रहे थे। बाकी अगर बात करूँ यहाँ पर जे रिचर्डसन, यहाँ पर 29 मिनट खेलकर 11.4 रिबाउंड 2 ब्लॉक इन्होंने किए थे। बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे जेबर्सन, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप 0.5 क्रेडिट भी सेव कर लोगे। जेबर्सन बैंक से खेलेंगे लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर जेबर्सन का अच्छा आता है। लास्ट मैच यहाँ पर एज ए स्टार्टर खेले थे, 33 मिनट खेलकर 11.6 रिबाउंड 4 असिस्ट 2 स्टील किए थे। बाकी जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो एज अ बेंच प्लेयर खेले थे, 29 मिनट खेलकर 24.6 रिबाउंड 3 असिस्ट 2 1 स्टील। आज का मैच भी बेंच से खेलेंगे जेबर्सन, लास्ट मैच एज ए स्टार्टर खेले थे क्योंकि गार्ड से यहाँ पर येलडॉन से खेल नहीं रहे थे तो गार्ड से यहाँ पर जेबर्सन यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन आज का मैच यहाँ पर एज ए बेंच प्लेयर खेलेंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस आपको दे देंगे। टीआरटी स्टार्ट करेंगे एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, क्रेडिट थोड़ा सा है, डिफेंस में स्टार्ट करेंगे, प्लस बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर टीआरडी एज अ बेंच प्लेयर खेलकर 31 मिनट खेलकर 19.6 रिबाउंड 2 असिस्ट लास्ट मैच में दिए थे। बाकी यहाँ से अगर बेस्ट यहाँ पर अगर पिक की बात करूँ तो डिफिन स्मिथ मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्रेडिट से और मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे ऑफेंसिव खेलते हैं, अच्छा खासा टाइम भी मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर डी स्पिन स्मिथ लास्ट मैच 34 मिनट खेलकर 4.8 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 स्टील उन्होंने दिए थे। जो सेकंड मैच रहा था यहाँ पर 6 रिबाउंड 4 असिस्ट 4 रिबाउंड 2 असिस्ट और 1 ब्लॉक दिया था। और जो थर्ड मैच रहा था तो यहाँ पर 35 मिनट खेलकर बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, 12.8 रिबाउंड 4 असिस्ट 1 ब्लॉक 2 स्टील। थोड़े से डिफेंस भी खेलते लेकिन 9.5 क्रेडिट के प्लेयर है। फॉरवर्ड से अच्छे खासे पिक आपको मिल जाएंगे, यम क्लेबर स्टार्ट करेंगे, ऑलमोस्ट सबके पास होने वाले एज अ स्टार्टर, 8.5 क्रेडिट के प्लेयर। उसी के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस लास्ट मैच में 13 रिबाउंड, उसी के साथ साथ जो सेकंड मैच रहा था तो यहाँ पर भी बेस्ट परफॉर्मेंस आया था, ऑलमोस्ट 100% अपोनेंट के पास यहाँ पर आपके होने वाले, तो इनके बारे में कुछ कहने की बात नहीं। के फोर की जिंग सेंटर से खेलेंगे, 15.5 क्रेडिट के प्लेयर है, जीएल में ट्राई करना। अगर भी बॉलिंग खेलते तो बेस्ट पिक ये भी मिल जाएंगे, सेंटर से खेलते और गजब के यहाँ पर रिबाउंड देते, 10+ यहाँ पर रिबाउंड हर मैच में आपको देंगे, 7 रिबाउंड पर मैच इनका एवरेज है। बाकी यहाँ से बेस्ट पिक यहाँ पर भी बॉर्जोगानिक भी मिल जाएंगे, 7 क्रेडिट के प्लेयर है, जीएल में ट्राई करना। ये हुआ दोनों टीम का परफॉर्मेंस। अगर बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम, तो ड्रीम इलेवन टीम के लिए आपको मिल जाएंगे येलडॉन्सिक, डिमोरे, दोनों मस्ट है, गार्ड से खेलेंगे, उसी के साथ साथ डिडोर्जन यहाँ पर ये भी गार्ड से खेलेंगे, जेबर्सन एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे, गार्ड से बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे, बैंक से अच्छे खासे पॉइंट शूट करते। बाकी यहाँ से आपको टीआरडी भी मिल जाएंगे, डिफिन स्मिथ भी मिल जाएंगे, उसी के साथ साथ इनके अलावा कोई आपको अच्छा खासा पिक मिलेगा नहीं। बाकी डिफिन स्मिथ यहाँ पर एज ए क्रेडिट सेवर, प्लस यहाँ पर इनसे बेटर आपको पिक यहाँ पर टीआरडी मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट बचने वाले नहीं। यम क्लेबर मस्ट है, सबके पास है, 8.5 क्रेडिट के प्लेयर है, टाइम अच्छा खासा मिलता है, एज अ स्टार्टर खेलेंगे। बाकी यहाँ से यहाँ पर जे पोल्टी स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ साथ डी पॉवेल आपको यहाँ पर टी लेयर्स यहाँ पर आपको एज अ बेंच प्लेयर खेलेंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस आता है टी लेयर्स का, लास्ट मैच में 10+ रिबाउंड इन्होंने दिए थे। बेस्ट पिक आपको मिल जाएंगे, 5.5 क्रेडिट के प्लेयर और अच्छा खासा यहाँ पर आपको फॉरवर्ड और सेंटर से दोनों से यहाँ पर खेलते हुए देखेंगे। बाकी यहाँ से अगर एसपी चॉइस की अगर बात करूँ तो येलडॉन्सिक ऑलमोस्ट सबके यहाँ पर एसपी होने वाले, उसी के साथ साथ पीपी के लिए आपके पास डिमोरे और डिडोराजन है, दोनों भी यहाँ पर ऑफेंसिव मोड में खेलेंगे, दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बाकी डिडोराजन सेफ जाना है तो डिडोराजन और थोड़ा सा रिस्क लेना है तो डिमोरे के साथ जा सकते हो, डिमोरे ऑफेंसिव खेलते अगर ये अच्छे खासे पॉइंट कनेक्ट कर दिए तो ऑलमोस्ट टीम मेरी फाइनल टीम है। अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, और उसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी भी ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, और प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते फाइनल टीम के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।